हेलो यूट्यूब, मॉर्निंग एपिसोड हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। गाइज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड कीजिए बिफोर न्यूज़ ऐप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें व्हाट्सएप पे ऑटो रिप्लाई भेजना हुआ तो कैसे भेजेंगे। किसी एक आदमी के लिए ऑटो रिप्लाई सेट करना हुआ, या फिर मल्टीपल के लिए, या फिर सारे लोगों के लिए, तो किस तरह से हम व्हाट्सएप में ऑटो रिप्लाई सेट करेंगे। तो शुरू करते हैं। व्हाट्सएप में ऑटो रिप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, तो इसलिए प्ले स्टोर ओपन कीजिए। यहां पे टाइप कीजिए ऑटो रिप्लाई फॉर व्हाट्स। ये देखिए ये आ गया यहां पे। अब इस पे क्लिक कीजिए। अब इसे इंस्टॉल कीजिए। अब हम लोग इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, हम चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, तो या फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पे कुछ सेकंड्स लगेंगे। अब आपको यहाँ से परमिशन अलाउ करना है, तो इसे अलाउ कर देंगे। ये होगा हमारा एप्लीकेशन का इंटरफेस, इस तरह से दिखेगा। यहाँ से आप अलाउ कीजिएगा तो जितने भी लोग आपको मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में, तो उन सबको आपका ऑटो रिप्लाई चला जाएगा। मगर आप सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को ऑटो रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए और जिस जिस मेंबर को आप यहाँ पे ऑटो रिप्लाई देना चाहते हैं उन्हें ऐड कर लीजिए। जिस भी मेंबर को आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, उसको जब आप व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं रहोगे तो आपके बिहाफ में ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा। तो आते हैं हम लोग और एक कॉन्टैक्ट को ऐड करके एज एग्जांपल देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए अब इस तरह से आपको फॉर्म आएगा। यहाँ पे आप नेम भी फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो अपने कॉन्टैक्ट में चले जाइएगा, फिर वहाँ से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने नेम डाल दिया। अगर आप कॉन्टैक्ट से किसी पर्सन को चूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे आप एक नंबर या फिर मल्टीपल्स नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको और भी नंबर ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए और अपना नंबर ऐड करते हुए जाइए। तो आगे बढ़ते हैं। अब बारी है कि मैसेज क्या जाएगा। तो एक तो इस एप्लीकेशन में डिफ़ॉल्ट मैसेज सेव हुआ हुआ है, तो अगर आप कोई भी मैसेज एडिट नहीं करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट मैसेज चला जाएगा। अगर आपको अपना कोई मैसेज सेव करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए थ्री डॉट पे। अब ये देखिए ये आपको तीन ऑप्शन आएगा, डिलीट, एडिट, एक्सप्लोर। तो आपको यहाँ एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जो भी मैसेज सेट करना चाहते हैं अपने डिफ़ॉल्ट मैसेज में वो मैसेज यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आप फिर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए ये मैंने ऑटो रिप्लाई में अपना ये कॉन्टैक्ट सेव कर दिया है और फिर मैंने अपना डिफ़ॉल्ट मैसेज भी सेव कर दिया है। तो इस तरह से हम लोग व्हाट्सएप में ऑटो रिप्लाई के लिए मैसेज सेव करेंगे। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। तो उसके लिए हम व्हाट्सएप में आते हैं। ये मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन कर लिया है और इस कॉन्टैक्ट पे मैंने ऑटो रिप्लाई सेव किया है। तो इसके चैट बॉक्स को खोल के देखिए, अभी यहाँ पे कुछ भी मैसेज नहीं है। ये देखिए आप अभी सिर्फ स्टिकर्स देख रहे हैं, यहाँ पे अभी कोई भी मैसेज नहीं है। अगर हम यहाँ पे ऐसे ओपन करके रखे रहेंगे और फिर अगर कोई मैसेज आता है इस तरफ से तो हमें ऑटो रिप्लाई नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हम अवेलेबल हैं यहाँ पे इस चैट के लिए। तो ऑटो रिप्लाई देखने के लिए अभी हमें बैक में जाना होगा। तो अभी हम लोग बैक आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे हैं। तो ये देखिए अभी ये टाइपिंग हो रहा है। ये देखिए ये हमारा मैसेज आ गया है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि हमारा ऑटो रिप्लाई किस तरह से वर्क करता है। तो ये देखिए हमने ओपन किया इसे। ये देखिए ये उधर से मैसेज आया था और ये रहा हमारा ऑटो रिप्लाई जो हमने ऑटो रिप्लाई सेव किया था। तो ये देखा आपने कि किस तरह से हम लोग व्हाट्सएप में ऑटो रिप्लाई के लिए कॉन्टैक्ट को ऐड करेंगे, ऑटो रिप्लाई मैसेज सेव करेंगे और फिर वो किस तरह से वर्क करेगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने व्हाट्सएप में ऑटो रिप्लाई सेव करना तो अब आप कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइज प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देगी वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मेरी IGTV वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ।